स्वागत है गाइस। देखो मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं ना चुपचाप कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें से एक थी मॉब बैटल की वीडियो। तो चॉप बोलता है मास्टर हमें भी मॉब बैटल करना चाहिए। मैंने बोला देख भाई GTA 5 में तो कोई चांस ही नहीं है यार। मुझे चैलेंज ऐसा है क्या? 2 मिनट दो, मैं 5 मिनट में सच के बताता हूँ। फिर गाइस चॉप ने अपने नॉन एग्जिस्टिंग ब्रेन का यूज किया और हम आज कर रहे हैं मॉब बैटल। हाँ मॉब बैटल नहीं, फर्जी मॉब बैटल। यस सर। गाइस यहाँ पर है दो साइड्स, दोनों की अलग अलग टीम है। पहली टीम में डॉगीज एंड बच्चा पार्टी एंड दूसरी टीम में है बुढ़ा पार्टी। यस गाइस इस बैटल का रूल ये है कि इसमें कोई खास रूल ही नहीं है भाई। इसमें हम लोग कुछ भी स्पॉन कर सकते हैं और स्पॉन करने के लिए सिर्फ उसे ड्रॉ करना है। और जैसे ही स्पॉन हो जाएगा बीच की दीवार हट जाएगी। जैसे ही दीवार हटेगी आमने सामने जो भी बंदे होंगे उनके बीच में बैटल होगा। लेकिन गाइस वो बैटल मैं डिसाइड करूंगा कि वो फाइट करेंगे या फिर वो रोस्ट करेंगे या वो डांस करेंगे या वो गाना गाएंगे। भाई जो भी मैं चाहूँ ये दोनों वो बैटल करेंगे। तो देखते हैं भाई कौन क्या स्पॉन करता है और एट द एंड बच्चा पार्टी जीतती है या फिर बुढ़ा पार्टी। लेट्स गो। ऑलराइट भाई तुम लोग को जो भी इधर आके ड्रॉ करना है ना फटाफट ड्रॉ कर लो। पर वो ये तुम लोग को पता नहीं रहेगा भाई कि सामने वाले क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? और जैसे ये बीच का पर्दा हटेगा ना दोनों ने क्या क्या ड्रॉ किया पता चल जाएगा। ऑलराइट तुम्हारी टीम है, डिसाइड कर लो क्या करना है, मैं उधर भी ये बता के आ जाता हूँ। टाइम कम है भाई, जल्दी करना, ठीक है? ओके ओके। तो देखो हमारी टीम का कैप्टन तो मैं हूँ। ओके मास्टर बता बता हमें क्या करना है। देखो अच्छा कैप्टन होने के नाते मैं तुम सबसे एक एक बार पूछना सही नहीं समझता हूँ, क्योंकि देखो सारे लोग बोलोगे तो सबके अलग अलग ओपिनियन होंगे। उससे बढ़िया तो यही है कि मैं अपना एक ओपिनियन दे दूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हो? मेरे पास तो मेरा खुद का ओपिनियन ही नहीं है, चलेगा? डिचका जी हमको तो लगता है कि हमें जो भी मन है ना जी वो ड्रा कर देना चाहिए जी। तुम पटापट ड्रा करो जी, हम लोग तुम्हें बताते जाएंगे जी। ड्रा करो गाइस। अब आर्यन भाई ने बोला है कि कुछ भी बना सकते हैं, तो जरा उनके इस रूल का थोड़ा सा मुझे फायदा तो उठाने दो। अरे भाई कुछ भी बना सकते हैं क्या? इसका मतलब ये है कि कुछ भी बना सकते हैं क्या? और क्या, अगर बोले हैं कुछ भी बना सकते हैं तो कुछ भी बना सकते हैं। आगे आगे देखो होता है क्या। ये तुम क्या बना रहे हो? ये और कुछ नहीं है, ये है एक स्केलेटन मामू। क्योंकि इसका जब मैं स्केलेटन बनाऊंगा तो ये तो सारे के सारे कॉम्पिटिशन पे जीत ही जाएगा ना। अरिन भाई ने कहा था कि कोई भी कॉम्पिटिशन हो सकता है। डुचका जी हमको तो नहीं लगता जी कि ये स्केलेटन सारे कॉम्पिटिशन में जीत पाएगा जी, क्योंकि यहाँ पर बात सारे कॉम्पिटिशन हारने का जी। अब वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीतता है या कौन नहीं। चलो मेरी ड्रॉइंग तो कम्प्लीट हो गई है, अब इसे हम कहते हैं स्पॉन। गाइस हमारा स्केलेटन बना तो बहुत बेकार था लेकिन लग तो बिल्कुल असली रहा है। अरे वाह, इसका मतलब हम लोग लिटरली कुछ भी स्पॉन कर सकते हैं। अब देखते हैं सामने वाले लोगों ने क्या बनाया होगा। आर्यन भाई जल्दी से ये पर्दा हटाओ। ऑलराइट गाइस अपन वॉल को छू मंतर कर देते हैं। गाइस इसे ना छू मंतर करने के लिए ना हम लोगों को कुछ बोलना पड़ता है, वो ये रहता है कि 3 2 1 सब्सक्राइब। यस ऐसा बोलने से ये ना गायब हो जाती है, लेकिन ना इसके लिए गाइस आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी सब्सक्राइब करो। मैं 3 2 1 करता हूँ। 3 2 1 सब्सक्राइब। टाडा वॉल हो गई है गायब। अपन देखते हैं दोनों ने क्या क्या स्पॉन किया है। भाई शिनचैन ने स्पॉन कर रखा है एक स्केलेटन और आलोक ने अरे भाई स्क्विड गेम की डॉल यही मिला। हाँ लाइक लिटरली आलोक तुझे इसके अलावा और कुछ सूझा नहीं, स्क्विड गेम की डॉल। अरे यार इसका थर्ड किसी के पास नहीं है, ये वाला राउंड तो हम ही जीतने वाले हैं। भाई देख वो तो कौन सी बैटल लगा ले उस पर डिपेंड करता है, बट शिनचैन तूने क्या सोच के स्केलेटन बनाया? आर्यन भाई सच तो ये है कि मैंने कुछ भी सोचा नहीं है, मैंने बिना सोचे समझे बनाया है। ऐसा है क्या? तो गाइस अब है बैटल टाइम और बैटल जो है वो मैं डिसाइड करूंगा। और गाइस इन दोनों का साइज देख के तो मुझे लग नहीं रहा कि इन्हें फाइट कराना चाहिए, बिल्कुल नहीं यार। गाइस इन्हें ना डांस कराना चाहिए भाई। यस इन्हें ना डांस करा के देखना चाहिए। ओके तो तुम्हारे बीच जो बैटल होने वाली है वो और कोई नहीं, वो होगी डांस बैटल। पहले परफॉर्मेंस हम देखना चाहते हैं स्केलेटन भाई साहब की। स्केलेटन भाई मेरी लाज बचा लियो, ये क्या होता है? ऑलराइट अब अपन देखने वाले स्क्विड गेम की डॉल का। लेट्स गो। oh,
ओ भाई ऑल राइट गाइस, देखो मेरे पास तो क्लियर विनर है यार। मुझे लगता है कि जो स्क्विड गेम की डॉल है ना, वो लिटरली अच्छा डांस कर रही है। स्केलेटन का तो डांस ही समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके तो हड्डी है भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लियर कट विनर है, जो कि है हालो किडी, मतलब कि बुढ़ा पार्टी। बुढ़ा पार्टी के हो गए 1 पॉइंट और बच्चा पार्टी के है 0। क्या हो गया मुझे पता नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। अब देखो अगला हम लोग क्या स्पॉन करने वाली है आर्यन भाई। अरे बेटा कुछ भी करो, हमारे पास सबका तोड़ है। हो भाई आई लाइक द कॉन्फिडेंस, लेकिन गाइस अभी अपने को वापस से इनके बीच में दीवार खड़ी करनी पड़ेगी, वरना ये दोनों एक दूसरे को ही निपटा देंगे भाई। अपन यहाँ पे वापस से दीवार स्पॉन कर देते हैं। ऑल राइट दीवार भाई वापस आ जाओ। ऑल राइट गाइस, अभी लोग नेक्स्ट वाला मॉब स्पॉन करने वाले हैं, और गाइस देखते हैं कि ये लोग क्या बनाते हैं। क्योंकि गाइस देखो, पहला पॉइंट तो ये बुढ़ाऊ ने ले लिया है, मतलब जो इधर बुढ़ा पार्टी है ना, ये लोग आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी मेरे को लगता है जो बच्चा पार्टी है ना, शिनचैन की जो टीम है भाई, वो ऐसे शांत बैठेगी नहीं, उसमें एक से एक खिलाड़ी बैठे हुए हैं। लेकिन चलो देखते हैं अभी क्या बन रहा है। अरे देखो भाई मेरी बात सुनो, क्या सीन है ना कि वहां पर वो लोग कुछ भी बना सकते हैं यार। सामने वाले लोग स्केलेटन बना दिए, तो हमें कुछ ऐसा पावरफुल बनाना है कि वो लोग कुछ भी बनाए, और चाहे कोई भी बैटल हो, हमारा जो खिलाड़ी हो वो जीत जाए। तो बताओ बताओ क्या बनाना है यार। अरे देखो मैं बोलता हूँ कि हम लोग हल्क बनाते हैं। अरे भाई हल्क तो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा यार, उन लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब थोड़ा दया खाते है ना यार। ट्रेवर भाई तू बता यार। ठीक है ससुरा, हमसे तो तुम ऐसा पूछ रहे, हम कैप्टन है, हम तुमको कैप्टन वा काहे बनाया ससुरा है? चलो चुपचाप अपना दिमाग लगाओ और कुछ भी बनाओ, हम ही जीतेगा। अरे ठीक है भाई, तो तुम जैसा बोलते हो, अब तुमने मुझे मौका दिया तो मैं थोड़ी कलाकारी कर लूं। अरे भाई कलाकारी होगी तो कलाकारी करेगा ना। अरे यार बनाने से पहले ही सारा मोटिवेशन खींच लेता है ये। चलो भाई बनाते हैं। अरे मैं इस बार ऐसा स्पॉनिंग करूंगा कि ये बच्चा पार्टी लोग ना हमेशा के लिए अच्छा पार्टी हो जाएगा। ससुरा ये तुम क्या बना रहा है, तुम जो भी बना रहा है हमका बहुत बेकार लग रहा है। अरे भाई अभी तो बना ही नहीं है भाई, अभी से तेरे को बेकार क्यों लग रहा है। अरे भाई एटलीस्ट बन तो जान दे, अगर बनेगा ही नहीं और उसके पहले ही तू बेकार बोल देगा तो हम कैसे मानेंगे यार। मुझे तो लगता है आलोक का ना सर चकरा गया है। अरे भाई फिर तुझे गलत नहीं लगता है, मेरा सर बहुत पहले से चकरा गया था, तुझे बहुत लेट पता चला है। ये कहा ससुरा, हमको तो ये बटरफ्लाई लग रहा है। अरे भाई बटरफ्लाई तो है लेकिन थोड़ा दूसरा वाला है। ई का ससुरा, ई तो स्किबिडी टॉयलेट है। अरे वाह वाह वाह, थोड़े देर से सही, पर कम से कम तुमने सही तो पकड़ा यार, ये स्किबिडी है स्किबिडी। अब मैं इसे स्पॉन करूंगा, अब देखता हूँ क्या होता है। 3, 2, 1 स्पॉन। ऑल राइट गाइस, वॉल हटाने की बारी आ गई है। वॉल भाई साहब आप हट सकते हैं। टड़ा गाइस, अब अपन देखने वाले हैं कि किसने क्या बनाया भाई। और मैं आपको सच बता रहा हूँ भाई, दोनों का ही ना मुझे, अरे ओ व्हाट, नो वे भाई, बुढ़ाऊ गैंग से आया है एक स्किबिडी टॉयलेट भाई, बुढ़ा पार्टी का तो पता नहीं, और बच्चा पार्टी की गैंग से आया है स्पीकर। ओ माय गॉड गाइस, ये स्पीकर टाइटन है ना। नो वे, इतना परफेक्ट बैटल कैसे हो सकता है भाई। तुम दोनों मिले हुए तो नहीं हो ना, पता चल रहा है मैं उधर देख रहा हूँ कि कोई एक दूसरे के तागा झाकी नहीं कर रहा, तुम्हारा पहले से ही प्लान ऐसा कुछ तो नहीं है। डिचका डिचका जी, आम लोगों का या बुढ़ाओ लोगों का सराय लेने का प्लानिंग करने का कोई जरूरत नहीं है जी, या बुढ़ाओ लोगों का आम लोग बिना प्लानिंग के हराएगा जी, इनसे क्या दोस्ती करने का जी, हम लोग अलग खेलते है जी। ससुरा हमारा भी कोई इनसे जरूरी नहीं है ना बात करने का, हमारा भी कोई प्लानिंग नहीं है। ओके जब तुम्हारा प्लानिंग नहीं है तो ठीक है। गाइस मुझे तो लग रहा है स्किबिडी वर्सेस स्पीकर मैन एक्चुअली में एक फाइट हो सकती है यहाँ पर। मैं सोच रहा हूँ इनके बीच में वन फाइट बैटल कर दे क्या, बट हाँ स्पीकर मैन मुझे जो टाइटन है ना वो ज्यादा पावरफुल तो लग रहा है। लेट्स सी भाई, दोनों मास्टर लोग इधर साइड हो जाओ, अपन इनके बीच में एक फाइट करने वाले। ओके फाइट। ओ भाई देखते हैं क्या करने वाला है, स्पीकर मैन तो गुस्से में दिख रहा है। ओ व्हाट भाई साहब, ए व्हाट खत्म। अरे अरे ओ भाई पैसे लगे हमारे, एक मैच अच्छा चला देते तो। अरे ये निपट गया, वाओ, एंड वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फाइट गोज टू स्पीकर मैन। भाई बंदा जीत गया यार, ये कैसी फाइट थी। गाइस मैंने ना फाइट का ऑर्डर देके बहुत गलत किया है, मुझे एटलीस्ट कंपेयर तो करना था
कि अपोनेंट्स में कितनी पावर्स है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गाइस पूरा वन साइडेड हो गया। कोई ना, अपन नेक्स्ट वाले बैटल में सोच समझ करेंगे। तो ये वाला पॉइंट जाता है बच्चा पार्टी को। तो भाई अब हो गया बुढ़ा पार्टी का वन और बच्चा पार्टी का भी वन। ऑल राइट दीवाल भाई साहब आप वापस आ जाइए। टडा गाइस अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन गाइस आगे जो भी होने वाला है, अगर आपको यहाँ तक मजा आ रहा है ना तो एक लाइक दबा के बता दो यार। देखते हैं अपने इस वाले वीडियो के जो लाइक्स है वो पिछले वाले वीडियो के लाइक से ज्यादा हो पाते या नहीं। लेट्स सी। बच्चा पार्टी अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। देखो देखो बनाल हो गया है। अब अगर हम लोग एक भी हारते हैं तो फिर से पीछे होने का रिस्क है भैया। अरे आपके तो पता ही है कि हम लोग कोई भी बाजी हारते नहीं है। हार गया कैसे जब चाप है साथ। फिर चाप भाई आजा, तू ही ड्राइंग बना ले, तू ही कुछ डिसाइड कर ले, ठीक है। मेरे बोलने का ये मतलब नहीं था कि मैं ही बना दूं, बट अब तुम इतना फोर्स कर रहे हो, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो चलो ठीक है। क्या है ना, मैं बहुत अच्छे दिल का, एकदम साफ दिल का इंसान हूँ, आई मीन डॉगी हूँ, तो फिर मैं बना दूंगा, ठीक है। मैं बना तो दूंगा लेकिन बनाऊ क्या गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे वाह मेरे पास एक मस्त आइडिया है। तू चुप, एटलीस्ट बता तो दे कि तू क्या बनाने वाला है। अरे भाई तुम देखकर समझ जाओगे। असली में बात ऐसी है ना चुप, कि तेरी ड्राइंग थोड़ी ज्यादा ही खराब है तो देखकर समझ नहीं पाए तो। अरे अगर देखकर ना ही समझ पाए तो ना ही समझ पाए, गेम वाले तो समझ जाएंगे। चुप मैं सच बताऊ तो मुझे उन पर भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि तेरी जो ड्राइंग है वो इतनी ज्यादा खराब है, इतनी ज्यादा खराब है कि मैं उसकी बेइज्जती भी नहीं कर सकता हूँ। अरे भाई बेइज्जती करके बोलते हो कि बेइज्जती ना ही कर सकता हूँ, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन तू तो क्या बना रहे है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। डिचका डिचका जी, हमको तो लगता है कि जी कि इसका खुद का समझ नहीं आ रहा जी, क्या बना रहे जी। अरे भाई तो तुम लोग मेरी थोड़ी इज्जत रखोगे कि सारी ऐसे ही बेच दोगे? आइला तुम्हारी थोड़ी सी इज्जत रखना तो चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे खुद के जो हरकत है उसके कारण हम तुम्हारी इज्जत रख नहीं पाते। जादू तू ज्यादा बकबक मत किया कर, समझा? अपने आपको थोड़ा सा लिमिट में रखे कर। आइला लिमिट में रखने की बात कौन कर रहा है, जो कि बिना लिमिट के पार्टी करता है, पूरे घर को सड़ा देता है। अब तू मेरी पर्सनल बातें बोल रहा है, ऐसा मत कर। अरे भाई अगर तू चुपचाप सिर्फ बता दी कि तू क्या बना रहा है तो कोई तुझे कुछ नहीं बोली गई। अरे भाई लगता है तुम लोग मुझे छोड़ोगे नहीं, मैं बता देता हूँ, मैं बना रहा हूँ सिलेंडर मैन। अरे यार सिलेंडर होता है वो, सिलेंडर मैन बना रहे है, किस एंगल से ये सिलेंडर मैन है बता। अरे इसलिए तो मैं बता नहीं रहा था भाई, अगर मैं बताऊंगा तो तुम लोग क्या यकीन नहीं करोगे, है ना, और अगर मैं ना ही बताऊंगा तुम लोग यकीन करोगे। अरे भाई मेरा लॉजिक किसी को ठीक क्यों नहीं लगता है? क्योंकि तेरा लॉजिक ठीक होता ही नहीं है। अब तुम लोग चुप रहो, मुझे बनाने दो। मैं ये सोच रहा हूँ भैया कि यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये स्लेंडर मैन है, वरना हो सकता है गेम वाले इसे कुछ और ही बना दे, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखो भाई ड्राइंग ऐसी बनाओ कि चार लोग को पूछना पड़े कि भाई क्या बनाया है। वही तो स्पॉन करो। ऑलराइट गाइस तो अब आ चुका है दीवार हटाने का समय। 3, 2, 1 गायब, लेट्स गो। भाई अभी देखते हैं। ए भाई चौप लो। अरे यार बच्चा पार्टी, भाई तुम लोगों ने तो सिलेंडर वाले चाचा को बुला लिया यार, मुझे तो लगा था चाचा जी आप कहीं गायब ही हो गए, लेकिन आप जिंदा है। हमने बुलाया है भाई, जिंदा तो होंगे। हाँ अच्छा जी। अरे व्हाट, अरे भाई तुमने ये फर्स्ट कॉपी हल्क कहाँ से बना लिया है? गाइस ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं से देखा होगा, बट आप लोगों में से बहुत कम ही लोगों को इसका नाम पता होगा। अगर आपको इसका नाम पता है ना तो कमेंट से बताओ, बाकी हम लोग तो यहाँ पे इसको फर्स्ट कॉपी हल्क ही बुलाते हैं। अपन करने वाले रोस्टिंग बैटल, मतलब थोड़ी से पोएटिक स्टाइल में। तो मेरे भाइयों तुम लोग उतर जाओ नीचे और अपन यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं। ऑलराइट स्टार्ट करो भाई। मैंने देखी थी नाइकी की फर्स्ट कॉपी, पहली बार देख रहा हूँ किसी ने सुखड़े पतले हल्क को पहना दी हो एक सफेद टोपी। उड़ी बाबा तुमने पहली बार देखा है हल्क को टोपी में? तुम्हारे इतने लंबे पैर है तुम तो बैठ ही नहीं पाते होगे पोटी में। मैं पोटी करता ही नहीं क्योंकि मेरे पास नहीं है मुंह, तुझे देखकर लगता है कि तू खाता होगा गू। उड़ी बाबा कलर है मेरा ग्रीन, बॉडी है मेरी लीन, लुक है बिल्कुल क्लीन, और तुझे देखकर आती है मुझे घिन। छी छी छी। ए दादा बोल मत सूर्या, मेरी पावर को मत भूल। उड़ी बाबा मुझे याद रखने की जरूरत नहीं,
ओ छोटे, हल्क को अगर कोई 10 बार खा के थूक दे तो वो दिखेगा तेरे जैसा। बदन पे नहीं है कपड़े, जेब में कहाँ से होगा पैसा। पुड़ी बाबा, तेरे पास है पूरे कपड़े और बहुत सारे हाथ, लेकिन फिर भी तू अकेले घूमता है, कोई नहीं देता तेरा साथ। ऑल राइट भाई, टाइम खत्म होता है, ठीक है, टाइम अप। हालांकि मजा तो आया लेकिन उतना भी नहीं। इसलिए गाइस, यार इन दोनों के बीच में कौन जीतता है भाई, मेरे को तो ये जज करना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊं तो दोनों ही ठीक ठाक थे, मतलब एकदम इक्वल लगे मेरे को। लेकिन फिर भी यार, मैं ना अगर सच बताऊं तो मुझे क्यों नहीं पता नहीं क्यों, पर ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्लेंडरमैन को जिता देना चाहिए, क्योंकि उसके जो मतलब रोस्टिंग वाले एक एक स्टेटमेंट थे ना, वो फिर भी फनी थे एज कम्पेयर्ड टू भाई ये सस्ता हल्क। और सस्ता हल्क के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, तो इस वाले राउंड का विजेता और कोई नहीं है, वो है बच्चा पार्टी की टीम। कॉन्ग्रेट। मैंने कहा था अगर मैं ड्राइंग बनाऊंगा तो मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। अरे भाई, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो किसने बोला भाई की है? नहीं है तो नहीं है, मान लो। अरे भाई गाइस, चौप तो भाई एकदम मतलब आज अलग ही मोड में। मैं फटाफट ना यहाँ पे वॉल खड़ी कर देता हूँ। पता चला है दोनों की जो टीम से आमने सामने लड़ने लग गई ना भाई, तो फिर उन्हें छुड़ाना एक अलग दिक्कत हो जाएगी। ऑल राइट दीवाल भाई साहब, गाइस अब देखते हैं ना इस वाले राउंड पे क्या होता है। तुम लोग तो बहुत मस्त कर रही हो यार, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हम लोग 1 पॉइंट के लीड में आ गए हैं, एंड ऑल थैंक्स टू हमारे चौप ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है भाई। लेकिन तूने क्या सोच के सिलेंडर चाचा जी को बना दिया? बनाया तो बहुत घटिया, वो अच्छा है कि तूने लिख दिया था। अब क्या है ना, मेरे पास दिमाग थोड़ा कम तो है, लेकिन जितना है उसका मैं मस्त यूज कर पाता हूँ। आइला, खैर तुम मुझे ताने तो नहीं मार रहे हो, मेरे पास दिमाग तुमसे कम जरूर है, लेकिन हाँ मैं पूरा यूज नहीं कर पाता हूँ, मुझे ताने मत मारो। तो तुझे कौन ताने मारेगा रे, हट, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तेरे बारे में सच सकूं। भाई हम आगे की सोचते हैं, आगे की। जब इसके हिसाब से तूने आगे क्या बनाना है वो सोच लिया होगा है ना, तो फिर से तू ही बना दे। अरे भाई मेरे पास जो दिमाग है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है भाई, तो अब तुम लोग भी कुछ सोचा तो तुम्हारे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई बच्चा पार्टी के टीम में। अरे हाँ यार, इसकी बात भी तो सही है। अरे यार बहुत ज्यादा गंभीर विषय है भाई, क्या बना कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ सोच लिया हूँ मैं। अगर ये लोग इस वाले बार जीत जाते हैं तो हमारा बूढ़ा पार्टी का नाम खराब हो जाएगा। ससुरा तुमको नहीं लगता है बूढ़ा पार्टी है, नाम ही खराब है और का खराब होगा। अरे नेम वाइज तो खराब है, बट इज्जत भाई, समाज में हमारी इज्जत तो है ना बूढ़ा पार्टी के नाम से, यार वो भी खराब हो जाएगी। अरे हाँ, मेरे पास एकदम बढ़िया आइडिया है, अब जो मैं बनाऊंगा ना उससे आर्यन के भी होश उड़ जाएंगे। चलो चालू करता। A few moments later. All right, guys, अपन चल कर देखते हैं भाई बंदों ने बना क्या रखा है। ओके, ओ व्हाट भाई, इधर इसने पेनीवाइज, भाई क्या यार बूढ़ा पार्टी, तुम लोग कुछ अच्छा नहीं सोच सकते थे? और भाई तुम लोग तो कुछ सोच ही नहीं सकते ऐसा लगता है। हमने कितना सोचा है भाई, देखो हमने 3-3 हेड वाले बनाए हैं, जो भी चैलेंज होगा वो तीनों मिलकर करेंगे। अरे भाई सर्वस तीन है, दिमाग एक ही है। ऐसा है क्या, दिमाग एक ही है, पहले बताना चाहिए था। अरे भाई मेरी क्या गलती है, मुझे थोड़ी पता था कि तुम लोग ये बना रहे हो। लेकिन फिर भी पहले बताना चाहिए था ना। मैं क्या तेरे सपने में आके तेरे को बताता कि ऐसा मत कर, इनके एक ही दिमाग है, क्या बोल रहा है यार। वो मुझे ना ही पता, आपको पहले बताना चाहिए था। हे भाई ये इसका दिमाग हिल गया भाई। गाइस अपन लोग अब बैटल क्या कराने वाले वो बताता हूँ मैं। इन दोनों के बीच जो बैटल होगा उसका नाम है क्विज कॉम्पिटिशन। यस सर, इन दोनों का क्विज और कोई नहीं, हमारे फटीचर मास्टर लेंगे। यस सर, मैं अरे टीचर कहाँ से आ गया भाई, मास्टर लेंगे बोलता ना। चलो भाई अरेंजमेंट कर दो। ऑल राइट, तो भाई तुम दोनों से पहला सवाल है मेरा, ये बताओ कि ज्यादा बदबूदार कौन है, शिनचैन या चॉप? क्या क्वेश्चन पूछा है भाई, चॉप, चॉप से ज्यादा बदबूदार मैंने किसी को दुनिया में सूंघा नहीं है। इसने लगता है हमें सूंघा नहीं है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तूने भाई इन लोगों को नहीं सूंघा है, क्योंकि चॉप उदार है, ये लोग तो भाई मतलब छोड़ रहे थे। बट यस, करेक्ट आंसर इज चॉप, और पेनीवाइज को मिलते हैं 1 पॉइंट। भाई अगला क्वेश्चन है, ऐसी क्या चीज है जो कभी भी ऊपर नहीं जाती है लेकिन हमेशा नीचे आती है? ये तो सोचना पड़ेगा। पता नहीं। अरे भाई तो थोड़ा सोच लो,
तुम में से किसी को पता है? जो हमेशा नीचे जाती है पर ऊपर नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है आपके सब्सक्राइबर सही। अरे यार क्या, चुप कर गाइस, ये लोग ऐसी बेइज्जती करते हैं यार। सब्सक्राइब करके ना इन लोगों को बताओ गाइस, आप सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो गाइस। ऐसी बेइज्जती ना मेरी बंद होनी चाहिए। तुम दोनों को मैं बताता हूँ, एक दिन तुम दोनों को मुंह बंद कर दूंगा मैं, ठीक है? तक करना। हाँ हाँ करता हूँ। तो भाई क्या तुम में से किसी को भी आंसर पता नहीं है क्या? हमें लगता है बारिश, बारिश नीचे आती है ऊपर नहीं जाती। यस करेक्ट आंसर, बारिश। भाई तो अब तुम दोनों के हो चुके हैं 1-1 पॉइंट। देखो भाई अब ध्यान से सुनना, एक बोट है जिसमें कि दो बंदे हैं। अब क्या हुआ ना कि बोट जो है वो डूब गई, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ एक के ही जो बाल थे वो गीले हुए और दूसरे के बाल गीले नहीं हुए? ऐसा क्या हो सकता है, जरा सोचो बेटा, जोर से सोचो। गाइस आप लोग भी सोचो कि पहले बंदे के बाल गीले हुए, दूसरे के बाल ही नहीं गीले हुए, क्या हो सकता है कारण? उनके उनके बाल ही नहीं होंगे, वो टकले होंगे। वो व्हाट, बिल्कुल सही जवाब भाई। दूसरा बंदा टकलू था, उसके बाल ही नहीं थे यार। गाइस किमड़ी तो इंटेलिजेंट निकले भाई। इसका एक ही मतलब है कि बच्चा पार्टी, आप लोग जीत गए, कांग्रेट गाइस। इसी के साथ अपनी वीडियो भी खत्म होती है। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।